एमपी में कांग्रेस की करारी शिकस्त को लेकर 5 घंटे तक मैराथन बैठक चली, जिसके बाद ये तय किया गया कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस चेहरा बदल कर सामने आएगी। मंथन में निकला कि अब कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर इसका नए सिरे से गठन किए जाने की जरूरत है। अब जल्द प्रदेश में नई कांग्रेस जीतू पटवारी के अंदाज में सामने आएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारियों, संगठन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह बतौर विशेष अतिथि मौजूद रहे। भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 5 घंटे बैठक चली, उसके बाद ये मंथन किया गया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी को भंग किया जाए और कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। नई कार्यकारिणी बनने तक जिले के प्रभारी और अध्यक्ष काम करते रहेंगे। कांग्रेस कमेटी का अब नए तरीके से गठन किया जाएगा। लगभग 5 घंटे हमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारियों के साथ आज बैठक हुई। बहुत सारे सुझाव आए हैं आगामी लोकसभा चुनाव को किस तरह से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, संगठन के अंदर हम क्या क्या बदलाव करेंगे, बहुत सारे सुझाव आए हैं। आज एक अहम निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भंग किया जाता है और जो भी जिले के प्रभारी और सह प्रभारी हैं अग्रिम आदेश तक वो अपना कार्य करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक दुरुपयोग किया, आर्थिक दुरुपयोग किया और जनता के सामने झूठा बोलकर हर तरीके से अलोकतांत्रिक हथकंडे अपनाकर विजय प्राप्त की। जीतू पटवारी ने कहा कि दिन भर की बैठक के बाद यह निर्णय निकल कर आया कि हमारा पूरा संगठन युवा हो, नया हो और सक्रिय हो, सबका आपस में संवाद हो। अब कांग्रेस में से नहीं हम से चलेगी। आज एक मैराथन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रभारी की जो हार के कारणों की समीक्षा और लोकसभा की तैयारियों को लेकर सुझाव इस संदर्भ में जो बातें हुई वो सकारात्मक व्यवहार से हुई और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग किया, आर्थिक रूप से सरकार का दुरुपयोग किया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने झूठ परोसा और हर तरह के वो हथकंडा जो अलोकतांत्रिक था उसको अपनाया और चुनाव में विजय हासिल की, मैं मानता हूँ ये अपने आप में सब अलग अलग जो जिला अध्यक्ष और प्रभारियों ने विस्तृत में इसकी रिपोर्ट दी है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है इस पूरी दिन भर की मैराथन के बाद कि हमारा संगठन युवा हो, नया हो, सक्रिय हो, आपस में संवाद हो और माइक्रो लेवल पर हर तरीके का मैनेजमेंट हो, चाहे बूथ का हो या वर्कर का हो। मैं मानता हूँ हमने संकल्प किया है, मैं नहीं हम से कांग्रेस चलेगी और एक साथ जनता के लिए विपक्ष में रहकर मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने के सपने को साकार करेगी। सर नहीं, आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।